मैं तुम लोगों को ये सिखाती हूँ ना मॉर्फोलॉजी में कि भाई डाइकॉट्स में जो है वो रेटिकुलर डिनेशन होता है। तो मैं तुम्हें तीन डाइकॉट के एग्जांपल देती हूँ, आ जाओ। ये एक ग्वावा का पौधा है, ठीक है। अब तुम देखो डाइकॉट है ग्वावा और देखो इसकी रेटिकुलेट वेनेशन दिख रही है, बीच में सेंटर में ये मेन वेन है और ये साइड साइड में वेनलेट्स है, देखो कितने सुंदर तरीके से दिख रही है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे एग्जांपल, ये एक जामुन का डाइकॉट। अब क्या है, जामुन में तुम्हें दिख तो जाएगी, थोड़ा सा लाइट दिखेगी, इतना क्लियर नहीं है जैसे कि गुआवा में, लेकिन आओ कोशिश करते हैं। देखो दिख रहा है, ये सेंटर में मेन वेन है ये वाली और ये साइड साइड में पतली पतली वेनलेट्स हैं। पीछे देखो, पीछे थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से नजर आएगा, है ना, बीच में मेन वेन और साइड में वेनलेट्स। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, ये एक आम का पेड़, मैंगो इज अ डाइकॉट, ये नजदीक आइए और देखिए, ये सेंटर में मेन वेन और ये वेनलेट्स के रेटिकुलेट वेनेशन देखो कितनी प्यारी नजर आ रही है, दिख रहे तुम। तो तुम्हें तीन एग्जांपल्स मिल गए और तुम्हें अभी याद रहना चाहिए कि डाइकॉट्स में जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है।